एजुकेशन और हेल्थ में अन्य राज्यों के मुकाबले कम क्यों है भगवंत मान साहब एजुकेशन अन्य राज्यों में अगर पंद्रह दशमलव दो प्रतिशत है तो पंजाब में तेरह दशमलव दो प्रतिशत और हेल्थ में छः प्रतिशत अगर अन्य राज्यों में तो यहाँ पर चार दशमलव सात प्रतिशत जबकि आप लोग सोलह मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं अभी आपने सौ नौ महीनों में सौ मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए हैं तो हेल्थ और एजुकेशन में कम क्यों बजट एलोकेशन <laughs> एलोकेशन और धरती पे फर्क होता है एलोगेशन उन्होंने पंद्रह परसेंट किया लेकिन ग्राउंड पे कितना पहुंचा इस बात में बहुत फ़र्क है हमारे वाला तेरह पॉइंट दो है लेकिन ग्राउंड पे पहुंच रहा है हम हेल्थ में हमने सौ मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर चुके हैं और इकतीस मार्च तक साढ़े सात सौ और हो जाएंगे छब्बीस जनवरी तक पाँच सौ इकतीस मार्च तक साढ़े मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएंगे चालू हो जाएंगे अभी जो सौ चल रहा है वो भी बहुत उसमें सा साढ़े सात लाख से ज़्यादा फुटफॉल आए हमने पैसा खर्च किया है बीच में से लीकेज बंद किया है ऐसे हम स्कूलों पर कर रहे हैं सौ स्कूल से सौ से ज़्यादा हम स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो खोलने जा रहे हैं आने वाले दिनों में अभी उसका सर्वे चल रहा है कहाँ कहाँ खोलने हैं कौन कौन से एरिए में बड़े बड़े गाँव में कस्बों में शहरों में तो हम आने वाले दिनों में इस बजट को और भी बढ़ाएंगे हमने स्पोर्ट्स के लिए जो इससे पहले स्पोर्ट्स में पंजाब में एक धेला नहीं खर्चा जाता था हमने खेलने खेड बतन पंजाब दे एक कार्यक्रम किया तीन लाख से ज़्यादा लोगों बच्चों ने नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया और हमने उनको अप्रिशिएट भी किया बहुत से प्राइवेट प्लेयर ने हमें स्पोंसर भी किया वेरका को हम मतलब पंजाब का सबसे बेटा, कमाऊ बेटा बनाना चाहते हैं बेर का अब दिल्ली में हमारा सिर्फ तीस हज़ार लीटर दूध जाता है उसको डेढ़ लाख लीटर पर लेके जाना है हमारे पास एक्साइज़ का इस बार डबल से ज़्यादा बजट जो अर्निंग आएगी पहले एक्साइज किसके पास होती थी नेताओं के पास ये मेरा एल वन जे एल नाइन तेरा है जे एल थ्री उसका है तो अब हमने पारदर्शी तरीके से एक्साइज़ पॉलिसी बनाई और जो है वो रेवेन्यू uh, आएगा माइनिंग सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है माइनिंग में जितना नजायज चलता था हमने बंद कर दिया hmm. जितना जायज निकलता था हम उतना ही निकाल रहे हैं पंजाब में अभी कमी है uh, रेता की कमी है hmm. कारण के वो नजायज जो निकलना बंद हो गया ना वही वाली कमी है पंजाब सरकार भी उतना ही निकालेगी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर हैं उनको भी एनजीटी के भी कुछ ऑर्डर हमें पालना करनी पड़ती है hmm. बड़ी जल्दी आपको सस्ता और इजीली uh, जो रेत अवेलेबल होगा ये हो गया और दूसरा हमने तो लोगों को रहे। को कावुपा, पा रहे हैं? देखो सबसे पहली बात तो निधि जी आपके मुंह से ही बड़ी सच्ची बात निकली कि माफिया होता था था तो हो गया ना अब <laughs> अब है नहीं ना में है तो नहीं ना तो उनको पकड़ा हमने कितने करप्ट लोग बैठे हैं जेल में बैठे हैं मंत्री जेल में बैठे हैं एक मंत्री तो उसका अभी फाइल खोलने वाले थे वो करोड़ रुपया लेके विजिलेंस वालों के पास आ गया कि जी मेरा नाम निकाल दो जिन्होंने पकड़ना था उन्हीं के पास पैसे लेके आ गया तो अभी वो मतलब कोर्ट के चक्कर काट रहा है एक इसका मतलब अच्छा उसके घर की तलाशी ली कांग्रेस का इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इंडस्ट्री कैसे पंजाब में पनप रही थी या इंडस्ट्री कैसे पंजाब से क्यों भाग रही थी इसकी एक सबूत दे देता हूँ कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के घर की तलाशी ली बाकी तो चलो छोड़ो कि क्या क्या मिला नोट गिनने वाली मशीन मिली घर में नोट गिनने वाली मशीन होती है बैंक में होती है इसका मतलब उनका पूरा परिवार नोट गिन के थक गया था उन्होंने कहा जी नोट गिनने मशीन ले हमें हर रोज एक हम ये काम नहीं होता हमसे ये वाले तो काम हमारा इंडस्ट्री का था ऐसी बहुत से नौ हज़ार एकड़ फॉरेस्ट की और पंचायत की जमीन जो बड़े बड़े रसूखदारों ने नेताओं ने दबा रखी थी नजायज कब्जा था वो हमने छुड़वाई उसका उसकी आमदन कहाँ आएगी वो आमदन आएगी खजाने में आएगी उसको हम लोगों में देंगे तो लीकेज बंद करो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया जो जो साढ़े तीन सौ करोड़ में पुल बनता था ओवरब्रिज वो दो सौ करोड़ में बनाया डेढ़ सौ करोड़ बचा के दिल्ली की दवाइयाँ फ्री कर दी ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है कि तीन सौ हम तीन सौ यूनिट फ्री दे रहे हैं जी फ्री की रेवड़ी देखिए सरकारें ये करती हैं लोगों से टैक्स लो लोगों को लोगों के टैक्स को किसी न किसी रूप में वापस देना होता है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्कूलों के रूप में बिजली के रूप में आ, अस्पतालों के रूप में ये तो कहते हैं जी मोदी जी भी कहते रहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हैं ये बिजली फ्री कहते हैं ये कहते हैं पानी फ्री अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मुझे ये बता दीजिए हर घर में हर खाते में हर व्यक्ति के हर खाते में पंद्रह लाख रुपए आ जाएगा ये वाला पापड़ किसने बेचा था ये बता दीजिए लेमान साहब इस पे आ गया पंद्रह लाख आपका आ गया जुमला बाद में कहते ये तो जुमला था जी इलेक्शन में ऐसी निकल गया मुंह से ये थोड़ी होता है हम गारंटी दे रहे हैं हम वादा भी नहीं कर रहे गारंटी हमने गारंटियों के बिना भी काम कर दिए जो गारंटी के बिना भी थे हमने गारंटी नहीं दी थी, थी लेकिन काम होने वाला था कर लें और इतनी इतनी फाइलें मेरे पास ऐसी ऐसी आती हैं मेरा कई बार मैं बहुत उदास हो जाता हूँ कि पंजाब को इस तरीके से लूट रहे हैं चाहे वो टोल टैक्स के जरिए चाहे हमारी कोयले की माइन सात साल से बंद पड़ी थी पछवाड़ा में वहाँ पे झारखंड में कोई उसका बाली बार सी नहीं था हमने चलाई अब कोयले कोयले की को कमी नहीं आएगी मतलब कोई ना कोई एंगल वो लेते थे जहाँ से हमें बने अब इंडस्ट्री आ रही है हम इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं तेईस चौबीस फरवरी को उसके लिए पूरे देश में जा रहे हैं मैं अभी चेन्नई हैदराबाद भी जा रहा हूँ वहाँ से भी टाटा स्टील हमारे पास आ रहा है जिन टाटा जमशेदपुर के बाद दूसरा बड़ा प्लांट लगा रहा है लुधियाना में हमारे पास सनातन टेक्सटाइल आ रहा है नीदरलैंड की एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है वो राजपुरा में 100 करोड़ का कैटल फील्ड बनाने का कारखाना लगाएंगे तो हम इंडस्ट्री भी आ रही है हमारे पास ताकि युवाओं को काम मिले क्योंकि हमारा युवा ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन हो रहा है विदेशों की तरफ भाग रहा है